भगवान तो अंतर्यामी अंतरात्मा की सब जानने वाले हैं, तो वो ये भी जानते हैं कि इसको इसकी आसक्ति कौन से विषय में है कौन से में नहीं है। तो भगवान कर्तम करता, वो तो एक पलक में आसक्ति मिटा सकते हैं जीव की। फिर भगवान प्रतीक्षा भी कर रहे हैं उसकी, तो ऐसा देखो तुमको पैसा चाहिए, तुमको पदार्थ चाहिए, अचानक तुमको लॉटरी मिल गया है, लॉटरी पाने से वो पैसे के ऊपर तुम्हारा उतना दर्द नहीं होगा, क्योंकि लॉटरी का पैसा है ना, परिश्रम का पैसा नहीं। परिश्रम करके जो वस्तु मिलता है ना, वो वस्तु का कीमत होता है। वहां कृपा करके अगर भगवान ऐसे तुम्हारे संसार आसक्ति समाप्त कर देंगे तो वो प्रेम हो नहीं सकता है। बच्चा तो बहुत है, बहुतों का संतान नहीं है, गोद ले लेते हैं, लेकिन गोद लेने से भी अपत्य स्नेह जो है वो होना संभव नहीं है, है ना। अपत्य स्नेह, माता बड़े कष्ट के साथ एक संतान जन्म देते हैं, बड़े कष्ट के साथ 10 महीना गर्भ में धारण करके, कितना कष्ट शिकार करके फिर जाकर के संतान को जन्म देते हैं। इसीलिए अपत्य स्नेह जो है वो संतान के प्रति तब होता है, किसी को गोद लेने से वो प्रेम थोड़ी होता है। हाँ, पुत्र संतान है नहीं, गोद ले लिया कोई बच्चा को, ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो स्नेह कभी होना संभव नहीं है जो अपने निज माँ जो कष्ट करके जो संतान जन्म देती है ना, वहां वो कष्ट करके बड़े संताप, बड़े कष्ट, बड़े दुख, सब कुछ स्वीकार करके जब वो प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसका कदर होता है, तब जाकर के वो प्रेम जो है वो प्रेम ही भगवान आस्वादन करते हैं, बड़े आदर के साथ भगवान तब स्वीकार करते हैं। कृपा करके तो संसार को ही भगवान तारण कर सकते हैं, पूरा अनंत कोटि ब्रह्मांड को तारण कर सकते हैं, तो उनका खेल जो है ये सृष्टि लीला समाप्त हो जाएगा। भगवान चाहते हैं हम सृष्टि लीला करके रचना करके खेलेंगे, एक अहं बहुश्याम प्रजायो, हम अकेला है बहु बन करके हम खेलेंगे, उनका खेल है, है? उनका खेल है। समोहं सर्वभूति नमे देश न प्रियो, जे भजन्ति ते मां भक्ता मई तेषु च प्रियम, मैं सब में समान हूं, मेरा कोई दृश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं। यह है बहिर्मुख जीव के लिए जो संसार सागर में रम रहे हैं, खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। यहाँ भगवान सृष्टि रचना करके भगवान खेल रहे हैं, यहाँ दृष्टा भगवान, उनको खेलना है, तुम खेलना चाहते हो, वो खेल में तुम आनंद ले रहे हो, इसीलिए भगवान का कोई दोष नहीं है। जिस दिन तुम ये खेल तुमको पसंद नहीं होगा, भगवान कहते हैं उस दिन तुम हमको याद करना, हम तुम्हारे लिए इंतजार कर रहे हैं। समोहं सर्वभूतेषु न मे देश्य अस्ति न प्रिय, कोई देश्य नहीं, मेरा कोई प्रिय नहीं, यह बहिर्मुख जीवात्मा। लेकिन जे भजन्ति ते मां भक्ता, जे भजन्ति तु मां भक्ता, जो भक्ति के साथ मेरा भजन करते हैं, मुइते वो मुझ में है, तेषु चाप्य हम, उसके अंदर भी मैं हूं, ये अलग है, हैं? यह है उन्मुख जीवात्मा, है ना। भगवान को तो खेलना है ना, तो जो उन्मुख जीवात्मा जो है, जो भगवान को ही अपना मानते हैं, संसार को नहीं, भगवान कहते हैं वो मुझ में है, ऐसा नहीं, ये भगवान की पक्षपात नहीं है। तुम भी हमको अपनाओ, किसी भी स्थिति में, किसी भी अवस्था में, अति पापाचारी, कदाचारी, अभिचारी, व्यभिचारी, कुभिचारी, कोई भी प्राणी हो, जिस दिन वो हमारे शरणापन्न हो करके हमको अपना मानेंगे, उसी दिन हम उसको अपना लेते हैं। अपि चित सुदराचारो भजत माम अनन्य भाव साधु सम्मंतव्य,
ओपिचित सुदुराचरो। इसके लिए ये नहीं है जो भगवत शरणागत होकर भजन करने के लिए बहुत सदाचार संपन्न समस्त दोष वर्जित कुसंस्कार मुक्त आचरण युक्त जो है ये सिर्फ साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मेरे को अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है। भगवान, जिस दिन तुम हमको शरण करोगे, तुम जिस दिन अपने आप को हमारे शरणागत कर दोगे, उसी दिन हम तुमको अपना लेंगे। क्षिप्रंग भवति धर्मात्मा, बहुत जल्दी मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूं। तो ऐसी बात नहीं है, जो इसके लिए एक प्रिपरेशन चाहिए। भगवान तब जाके अपना मानेंगे, हमारे अंदर बहुत पाप ताप बहुत सारे कुकर्म करके आए हैं, बहुत अपराधी है, हमारे नीचता का कोई सीमा नहीं, हमारे पापाचार की कोई सीमा नहीं, मैं अति पापाचारी निकृष्ट श्रेणी ऐसे जीवात्मा हूँ, हम कैसे भजन करेंगे, भगवान कैसे हमको अपना मान लेंगे, ऐसे शब्दों कोई शास्त्र में कहा नहीं। करुणामय भगवान तो देखते ही नहीं कौन पापाचारी अभिचारी व्यभिचारी है। जिस समय तुम शरणागत हो जाओगे, प्रभु हम तुम्हारे हैं, कृष्ण तुम्हार हो, जो बोले एक बार माया बंधन होते कृष्ण करे तारे पार, मैं तुम्हारी हूं, ऐसे कहने से ही बस है ना।